मैं विनोद सर, आज टैली डॉट ईआरपी 9 का चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट तक हम सीख चुके हैं कि हाउ टू इंपोर्ट मास्टर वाउचर इन न्यू कंपनी। आज हम चैप्टर नंबर 7 के सेकंड पार्ट में सीखेंगे कि हाउ टू चेक रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस। तो इस ऑप्शन को यूज करने से पहले हमें टेली डॉट ई आर पी 9 के सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। टेली डॉट ई आर पी 9 के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे टैली। तो जैसे टैली टाइप करेंगे, टॉप में टेली डॉट ई आर पी 9 का आइकन डिस्प्ले होगा। इस पे जाकर के माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेली डॉट ई आर पी 9 की विंडो ओपन हो चुकी है। जैसे टेली डॉट ई आर पी 9 की विंडो ओपन होगी, इसके बाद हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। यहाँ पे जाकर के माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम घटे अब टैली पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हमें रिपोर्ट चेक करना है, तो रिपोर्ट चेक करने से पहले हमें अपनी कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट डिजिटल फाउंडेशन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन है, इसको हमें बंद करना है। इसको बंद करने के लिए हम कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद करके सेट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में डिजिटल फाउंडेशन ऑनलाइन डिस्प्ले हो रही है, इस पे जाके जैसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी कंपनी क्लोज हो चुकी है। अब हमें अपनी कंपनी को ओपन करना है, जिस कंपनी में हमें काम करना है, तो हम सेलेक्ट पे जाकर के माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन खुल करके आ गया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आ गई। अब हमें इसमें से किस कंपनी में काम करना है, तो हमें यहाँ पे डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना है। इस पे जाकर के जैसे डबल क्लिक करेंगे, हमारी यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी ओपन हो चुकी है। हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्लैक कलर से घटे हुए टैली का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, इस पे जाकर के क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम घटे हुए टैली के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अब हम डायरेक्ट मींस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हाउ टू चेक रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस, हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को चेक करना है। तो ट्रायल बैलेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, इसके बाद डिस्प्ले में आए। डिस्प्ले में जाने के लिए या तो कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे तो भी डिस्प्ले में जा सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो भी डिस्प्ले में जा सकते हैं, हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे डिस्प्ले में जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस की जो शॉर्टकट की होती है टी होती है, टी प्रेस करेंगे यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में जा सकते हैं, या ट्रायल बैलेंस में जाकर के एंटर करेंगे तो भी हम ट्रायल बैलेंस में जा सकते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। जैसे हम ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद हम यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। डिटेल की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट F1 होती है, माउस के लेफ्ट बटन से यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रुप वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं कि कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना है, करंट लाइबिलिटीज का टोटल अमाउंट कितना है, फिक्स एसेट्स का टोटल अमाउंट कितना है, और करंट एसेट्स का टोटल अमाउंट कितना है, परचेज का टोटल अमाउंट कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट कितना है, और इनडायरेक्ट इनकम का टोटल अमाउंट कितना है। तो मीन्स ट्रायल बैलेंस में जाकर के हम ग्रुप वाइज टोटल अमाउंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि हाउ टू कैंसिल डे बुक वाउचर एंट्री। जैसे हम मीन्स किसी एंट्री को पास कर रहे हैं, किसी एंट्री को हम पास कर चुके हैं, ये तो उस एंट्री को हमें कैंसिल करना है। तो किसी भी एंट्री को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने की जो शॉर्टकट की डी होती है, डी प्रेस करेंगे तो भी हम डिस्प्ले में चले जाएंगे, या डिस्प्ले में जाकर के एंटर करेंगे तो भी डिस्प्ले में चले जाएंगे, या यहाँ पर डिस्प्ले पे जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो भी डिस्प्ले में चले जाएंगे। इसके बाद हमें डे बुक में जाना है, तो डे बुक में जाकर के डी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट डे बुक में चले जाएंगे, एंटर करेंगे तो भी डे बुक में जा सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करेंगे तो भी डे बुक में जा सकते हैं। या डे बुक में जाने के बाद हमें क्या करना है, किसी भी एंट्री को कैंसिल करना है। तो जब हम किसी भी एंट्री को कैंसिल करते हैं तो सिर्फ उस एंट्री का अमाउंट कैंसिल होता है, और उस एंट्री का जो वाउचर है वो वाउचर नेम सेम रहता है, वाउचर नंबर सेम रहता है, सिर्फ अमाउंट वहां से कैंसिल हो जाता है, उसके अंदर दोबारा हम एंट्री पास कर सकते हैं। तो हम एंट्री को कैंसिल कैसे करते हैं, एंट्री को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे जिस एंट्री को कैंसिल करना थे। हम यहाँ पे जो कंट्रा वाउचर वाली एंट्री फर्स्ट है इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस एंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। कैंसिल की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट एक्स होती है, हमने बताया था किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन आती है तो अल्ट का यूज करेंगे, डबल लाइन आती है तो कंट्रोल। तो यहाँ पे एक्स के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, इसलिए या तो अल्ट एक्स करेंगे या आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा कैंसिल सेलेक्टेड एंट्री, जो आपने एंट्री को सेलेक्ट किया क्या उसको कैंसिल करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो आप यस करोगे, नहीं करना चाहते तो हमें एंट्री को कैंसिल करना, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे वो हमारी एंट्री कैंसिल होगी। तो जब जिस एंट्री को कैंसिल करते हैं उसके आगे लिख करके आ जाता है कि ये एंट्री हमारी कैंसिल हो गई, और एक हमने किस वाउचर की एंट्री को कैंसिल किया, कंट्रा वाउचर की एंट्री को कैंसिल किया है, और वाउचर नंबर कौन सा, वाउचर नंबर फर्स्ट था। तो जब हम किसी भी एंट्री को कैंसिल करते हैं तो मीन्स जो उसका अमाउंट है वो कैंसिल हो जाता है, वाउचर और वाउचर नंबर कैंसिल
नहीं होता है। इसके अंदर हम अगर दोबारा एंट्री पास करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम दोबारा कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि हाउ टू डुप्लीकेट डे बुक वाउचर एंट्री। जैसे हम मीन्स इस समय प्रेजेंट टाइम में डिस्प्ले डे बुक के अंदर है, हमें डायरेक्ट अगर किसी भी एंट्री को पास करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड वाउचर का ऑप्शन है, यहाँ से हम डायरेक्ट अल्ट प्लस ए से भी वाउचर ऐड कर सकते हैं या यहाँ पे ऐड वाउचर पे जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे वाउचर पे जाकर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम मीन्स कोई भी किसी भी वाउचर में पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, जनरल वाउचर, रिसीव वाउचर में किसी भी वाउचर में एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस वाउचर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जिस वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा कंट्रा वाउचर सेलेक्ट है तो वहां पे हमारा कंट्रा वाउचर ओपन होगा। जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करके यहाँ पे एड वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन होगा। जैसे हमें अपने इम्प्लॉय को सैलरी देनी है, डुप्लीकेट का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लो हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी में फिक्स रेट सैलरी अपने इम्प्लॉय को देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस एंट्री को बार बार पास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसी एंट्री को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे हमने अपने इम्प्लॉय को 40,000 रुपये सैलरी दे दिया, वो भी सैलरी कैश के थ्रू दे दिया, अभी तो हमारी एंट्री है वो डुप्लीकेट हो चुकी है। जब हम यहाँ पे सैलरी वाली एंट्री को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो रहा है कि 40,000 रुपये हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दिया है। तो अगर हमें सेम एंट्री सिमिलर एंट्री बार बार पास करनी है तो वहाँ पे हम एंट्री को मीन्स डुप्लीकेट करके पास कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू ऐड ए न्यू वाउचर। अब हमें एक नया वाउचर ऐड करना है, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम इस समय डिस्प्ले डे बुक में है, हम एंट्री को रीड आउट कर रहे हैं, कोई एंट्री हमसे छूट गई गलती से, तो हम डायरेक्ट मींस उस वाउचर को ऐड करके वहां पे हम एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पे सैलरी एक इंप्लॉय को 40,000 देनी थी, दूसरे इंप्लॉय को 50,000, तो जो 40,000 वाली एंट्री हमने पास कर दिया, 50,000 वाली सैलरी की एंट्री पास करनी है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड ए वाउचर पे चले जाएंगे, यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें अपने इम्प्लॉय को 50,000 रुपये सैलरी देनी थी, एंट्री हमारी छूट गलती से मीन्स छूट गई थी, हमने इस एंट्री को पास नहीं किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मीन्स वाउचर को ऐड करके उस एंट्री को पास कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू वाउचर एंट्री। अगर हमें किसी भी वाउचर के ऊपर एक दूसरा वाउचर ओवरलैप करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट की जो इंसर्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो मीन्स अल्ट आई होती है, अल्ट आई से हमारा इंसर्ट वाउचर आता है, अल्ट ए से हम वाउचर को ऐड कर सकते हैं, अल्ट टू से वाउचर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, और अल्ट एक्स से हम एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं, और अल्ट डी से एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, और एंटर से एंट्री को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो या तो हम अल्ट आई प्रेस करेंगे या तो इंसर्ट पे जाकर के जैसे क्लिक करेंगे, अभी जैसे हम यहाँ पे एंट्री नंबर हमारी मीन्स यहाँ पे हमने सैलरी अपने इम्प्लॉय को 40,000 रुपये पे किया, अगर हमें सेम वाउचर पे एंट्री को ओवरलैप करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी इम्प्लॉय को जैसे 60,000 रुपये सैलरी पे कर रहे हैं कैश के थ्रू, तो हम इस एंट्री को यहाँ पे ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे ओवरलैप करेंगे ये एंट्री हमारी उसके टॉप पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आता है कि रिमूव डे बुक वाउचर एंट्री। जैसे इस समय हम मीन्स टैली में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी एंट्री हमारी डिस्प्ले हो रही है, अगर हमें सारी एंट्री को रिमूव करना है तो जो रिमूव का मतलब क्या होता है, रिमूव का मतलब होता है एंट्री को हटाना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट आर होती है, स्टेप बाय स्टेप हम अल्ट आर पे क्लिक करते जाएंगे, हमारी स्टेप बाय एंट्री रिमूव होती जाएगी, या डायरेक्ट हम अल्ट आर प्रेस कर देंगे, अल्ट आर से हमारी जो एंट्री है होती जाएगी। जैसे हम अल्ट आर प्रेस करेंगे सारी की सारी एंट्री हमारी रिमूव हो चुकी है। अगर हमें इस एंट्री को वापस लाना है तो हम अल्ट यू का यूज करेंगे, अल्ट यू से हम स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्री को वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल यू करेंगे तो एक बार में सारी की सारी जितनी भी रिमूव एंट्री है उसको वापस ला सकते हैं। तो रिमूव की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट आर होती है, और रिस्टोर की जो शॉर्टकट की होती है मीन्स अल्ट यू होती है, रिस्टोर ऑल की जो शॉर्टकट की होती है मीन्स कंट्रोल यू होती है। अब हम एंट्री को हाइड क्यों करना चाहते हैं, जैसे मान लो हमें सिर्फ
मीन्स कंट्रा वाउचर की एंट्री, जितने भी हमारे पास कंट्रा वाउचर की एंट्री है सिर्फ उसका हमें प्रिंट आउट निकालना, बाकी एंट्री का हमें प्रिंट आउट नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अल्टार करेंगे। जैसे हम अल्टार करेंगे सारी एंट्री हमारी रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ क्या डिस्प्ले हो रही कंट्रा एंट्री। कंट्रोल पी करेंगे, अल्ट जैसे हम यहाँ पे पी करेंगे और एंटर करेंगे, सिर्फ हमारी जो मीन्स कंट्रा वाउचर की एंट्री डिस्प्ले होगी, हम यहाँ पे कंट्रा वाउचर एंट्री का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे कई हजार एंट्री होती है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे मीन्स एंट्री को रिमूव करके हम अपने अकॉर्डिंग जिस वाउचर की एंट्री का प्रिंट आउट निकालना है हम उस एंट्री का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है सेलेक्ट, जहाँ से हम अपने मीन्स एंट्री को स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार से हमारी टोटल नंबर ऑफ जितने भी ट्रांजेक्शन है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट ऑल के बारे में मैंने बता दिया, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके सारी एंट्री हमारी मीन्स सेलेक्ट हो जाएगी। हाउ टू फिल्टर डायरेक्ट एनी वाउचर एंट्री, जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारी एंट्री, तो हम डिस्प्ले डेबुक में जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कंट्रा वाउचर की भी एंट्री है, पेमेंट वाउचर की एंट्री है, रिसीव वाउचर की एंट्री, जनरल वाउचर की एंट्री है, हमें सिर्फ पेमेंट वाउचर की एंट्री देखनी है। तो यहाँ पे हम F4 प्रेस करेंगे, F4 से हमारा चेंज वाउचर आएगा। जैसे यहाँ पे F4 पे क्लिक करेंगे चेंज वाउचर आएगा। अब यहाँ पे हम कंट्रा वाउचर को चेक कर सकते हैं, जनरल वाउचर को चेक कर सकते हैं, मेमोरेंडम वाउचर को चेक कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर को चेक कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक वाउचर चेक कर सकते हैं, परचेज चेक कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, रिवर्सिंग जनरल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्टॉक जनरल। तो हमें सिर्फ पेमेंट वाउचर की एंट्री को चेक करना है। तो यहां से हम सिर्फ सारी की सारी पेमेंट वाउचर की एंट्री को फिल्टर करेंगे और यहां पे अल्ट प्लस की से सिर्फ जितना हमने फिल्टर किया था सारी सिर्फ फिल्टर एंट्री को हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक रेंज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जैसे हम इस समय डिस्प्ले डेबुक के अंदर हैं, अब हमें यहाँ पे रेंज इंफॉर्मेशन का यूज करना है, तो दो बार डीडी प्रेस करेंगे डायरेक्ट डिस्प्ले डेबुक में चले जाएंगे। रेंज इंफॉर्मेशन की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट F12 होती है, अल्ट F12 होती है। जैसे रेंज इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा वाउचर, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में यहाँ पे वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि मीन्स पेमेंट वाउचर के अंदर हमने कितनी एंट्री पास किया, तो यहाँ पे हम वाउचर टाइप पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्टेनिंग की जो पेमेंट वाउचर है वो टोटल कितनी एंट्री को कॉन्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे पेमेंट टाइप करके एंटर करेंगे टोटल टैली बता देगी कि हमने टोटल कितने पेमेंट वाउचर में एंट्री पास किया है। इसी तरह अगर हमें कंट्रा वाउचर की एंट्री देखनी है तो यहाँ पे हम वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रा टाइप करेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंट्रा वाउचर की एंट्री डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे रेंज इंफॉर्मेशन में हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशन टर्म एंड कंडीशन लगा करके किसी भी एंट्री को सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। हाउ टू चेक अकाउंट बुक्स, अब हमें अपने अकाउंट का जो बुक है उसको चेक करना है। तो अकाउंट बुक चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले में जाकर के माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम डिस्प्ले में चले जाएंगे। इसके बाद हम अकाउंट बुक में चले जाएंगे। अब अकाउंट बुक में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, अकाउंट बुक में सबसे पहले हम कैश बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेजर चेक कर सकते हैं, ग्रुप चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाउचर चेक कर सकते हैं, सेल रजिस्टर चेक कर सकते हैं, परचेज रजिस्टर, जनरल और किट। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी में कितना कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है। तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा टोटल कैश बैलेंस बता देगा और यहाँ पे हमारा टोटल बैंक बैलेंस बता देगा। यहाँ पे हम अपने कैश बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं और बैंक बैलेंस को भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी लेजर को चेक करना है तो हम यहाँ पे जिस लेजर को चेक करना है हम यहाँ पे उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उस लेजर की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमें किसी ग्रुप की समरी चेक करनी है, जैसे मीन्स यहाँ पे हमें देखना है हमारे पास मीन्स फिक्स एसेट्स कितने हैं, तो जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हमने टोटल कितनी फिक्स एसेट्स को मीन्स यूज किया है। तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस में जो जो फिक्स एसेट यूज कर चुके हैं हम वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वाउचर टाइप, वाउचर टाइप में जैसे हमें देखना है कि हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में कौन कौन से खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं।
और इसके बाद अगर हमने इसके अंदर कोई सेल की एंट्री पास किया होगा तो सेल की एंट्री डिस्प्ले हो जाएगी, परचेज की एंट्री पास किया होगा परचेज की एंट्री डिस्प्ले हो जाएगी, अगर हमने कोई जनरल एंट्री पास किया है तो यहाँ पे हमारी टोटल जनरल एंट्री डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे हम जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है हाउ टू चेक इन्वेंट्री बुक। तो इन्वेंट्री बुक कैसे चेक करते हैं, इन्वेंट्री बुक चेक करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले में जाकर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद इन्वेंट्री बुक में जाकर के डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम टोटल जो अपनी कंपनी में हम स्टॉक यूज कर चुके हैं जैसे कंप्यूटर, डीवीडी, कीबोर्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हम यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ मीन्स अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी स्टॉक पड़ा हुआ है। इसके बाद हमें अगर ग्रुप समरी चेक करनी है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक में जा करके टोटल मींस कंप्यूटर की टोटल क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, डीवीडी की टोटल क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड की, लैपटॉप की और पेन ड्राइव की यहाँ पे जा करके टोटल क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमें किसी भी मींस जो स्टॉक आइटम उसका बैच वाइज डिटेल देखना है तो जैसे कंप्यूटर का हमें बैच वाइज डिटेल देखना है तो हम यहाँ से कंप्यूटर का बैच वाइज डिटेल भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हाउ टू चेक कैश कैश और बैंक, ऑलरेडी हम कैश बुक बैंक बुक चेक कर चुके हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर वो सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे हम डिस्प्ले में चले जाएंगे, डिस्प्ले में जाकर के हम डबल क्लिक करेंगे और एक्सेप्शन रिपोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने कोई मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री पास किया है, किसी वाउचर को अगर हमने कैंसिल किया है तो वाउचर हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दिखा देगा कि हमने किस वाउचर की एंट्री को यहाँ पे हमने कैंसिल किया है। अगर हमने पोस्ट डेटेड किसी को पोस्ट डेटेड चेक बना के एंट्री मैंने हमने पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री पास किया तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई निगेटिव स्टॉक है तो निगेटिव स्टॉक दिख जाएगा। अगर निगेटिव हमने कोई लेजर बनाया है, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमने किसी को पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पे निगेटिव मीन्स निगेटिव लेजर दिखाएगा। इसके बाद हमारा आता है हाउ टू चेक पेमेंट रिसीव। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास टोटल कितने पेमेंट की एंट्री है, कितनी टोटल रिसीव की एंट्री है, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर पे जाके क्लिक करके यहाँ पे जैसे हम डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया हुआ और हमारे पास से कितना पैसा गया है, यहाँ पे जाकर के टोटल चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन आता है कि हाउ टू चेक लिस्ट ऑफ अकाउंट। अगर हमें देखना है कि जो हम टैली में काम कर रहे हैं हमने अभी तक टोटल कितने लेजर का यूज किया है, तो हम जैसे हम मीन्स यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में चले जाएंगे, जैसे लिस्ट ऑफ अकाउंट में चले जाएंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर की समरी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम मीन्स क्लिक करके एंटर करेंगे टोटल नंबर ऑफ मीन्स लेजर हमारा यहाँ पे जाएगा कि मीन्स बैंक के अंदर कौन कौन सा लेजर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा, सिंडिकेटर के अंदर कौन सा लेजर गया हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर कौन कौन सा लेजर गया हुआ है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में हम सिर्फ रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। जो हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 में पेमेंट वाउचर की एंट्री पास किया था, रिसीव वाउचर की एंट्री पास किया था, कंट्रा वाउचर की एंट्री पास किया था, जनरल वाउचर की एंट्री पास किया था, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी हम रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आपको इस टैली की जो बुक है इसको परचेज करना है, खरीदना है, बाय नाउ करना है तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जहां से आप मीन्स बुक को डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये जो हमारी tally.erp9 की जो लेटेस्ट बुक है, Amazon और Instamojo दोनों पे अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद।